ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताल होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताल होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन
बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्ण के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्ण ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्ण का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है।
वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं,
जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में
पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है
कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है,
वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं,
जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में
पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है
कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है,
वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं,
जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताल होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताल होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में
पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है
कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है।
वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं,
जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में
पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है, ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है
कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवीर शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवीर शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवीर शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवीर शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है।
वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सकें और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26 ग्यारह हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है, वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं,
जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं। ए सोल्जर इन ऑलवेज ए सोल्जर, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मेजर मूवी के फैक्ट और रिव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह फिल्म मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों के मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से मेजर उन्नी कृष्णन बचपन से ही खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। एक सैनिक होना कितना जोखिम भरा होता है ये जानकर उसके माँ पापा भले ही उनके इस फैसले के कभी साथ नहीं थे, लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन के लिए देश सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपनी पत्नी और माता से ज़्यादा प्रेम अपने देश से करता है। NSG में मेजर बनता है। वह कई मौक़ों पर अपने देश प्रेम को और हौसलों की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नी कृष्णन ने उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे हुए लोगों को आतंकियों से बचाया, इसके लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का किरदार निभा रहे साउथ के स्टार आदिवी शेष की यह पहली फिल्म हिंदी है। संवाद की बोली बदल सकती है, लेकिन किरदार को जीने का जज्बा नहीं, जो फिल्म में आदिवी शेष ने अपने अभिनय से साबित कर दिया। मित्रों, फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी देश प्रेम की भावना को समझ सके और देश के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। कुल मिलाकर फिल्म के निर्देशक महेश बाबू अपनी पूरी टीम के साथ देश के लिए समर्पित एक सच्चे सैनिक को इस कहानी में
पर्दे के माध्यम से दिखा देते हैं।